गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम टूथ डिके के बारे में बात करेंगे। टूथ डिके मतलब दांतों का टूटना, कैसे टूटते हैं, उनमें कैविटी कैसे, होल कैसे फॉर्म हो जाता है और कैसे वो हमारी दांतों में दर्द आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको क्लियर करते हैं। व्हेन यू ईट, जब तुम कुछ खाना खाते हो, टाइनी बाइट्स जो छोटी टुकड़े हैं फूड के, कैन गेट स्टक, स्टक माने चिपक जाते हैं, इन द गैप्स बिटवीन योर टीथ। ये देखिए गैप्स जो होते हैं इनके बीच में चिपक जाते हैं। जर्म्स और बैक्टीरिया लिव ऑन द सरफेस ऑफ योर टीथ। आपको पता है दांतों पर बहुत जल्दी जर्म्स और बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। ये बैक्टीरिया और जर्म्स जो होते हैं, जैसे आपने खाना खाया और ब्रश नहीं किया तो बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ग्रो करने लगेंगे। बैक्टीरिया किसको बहुत प्यार करते हैं, स्टार्ची फूड को जिसमें शुगर हो। ठीक है बेटा, तो शुगर हो उसको बहुत ही ज़्यादा वो लाइक करते हैं। ये देखिए, फिर इसके बाद आता है दे ग्रो वेल ऑन देम एंड फॉर्म ए थिन स्टिकी फिल्म ऑन योर टीथ कॉल्ड प्लाक। बेटा जैसे ही आपको पता है कि जब आपकी टूथ की बात करी जाए तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर है और उसके अंदर खूब सारी ये, तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर की लेयर को क्राउन कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्राउन के बाद इनेमल, सेकेंड लेयर इनेमल, फिर इसके बाद डेंटाइन। ठीक है, थर्ड लेयर डेंटाइन होती है। डेंटाइन के बाद आता है रूट, रूट के अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं। क्लियर हो गए मेरी बात? क्राउन, इनेमल, डेंटाइन, डेंटाइन के अंदर बहुत सारी रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो कह रहे हैं कि जैसे ही आप कुछ खाते हो तो जो आपकी इनेमल है उसके चारों ओर क्या जमा हो जाता है, एक येलो कलर का सब्सटेंस, उसे कहते हैं प्लाक। क्या कहते हैं? प्लाक। दे प्रोड्यूस ए सॉर सब्सटेंस कॉल्ड एन एसिड। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं? एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। विच ईट अवे द इनेमल, जो इनेमल को खाने लगती है। स्लोली ए कैविटी और होल इज फॉर्म इन योर टूथ। समझ आ गई मेरी बात कि पहले फर्स्ट लेयर क्राउन, सेकेंड लेयर इनेमल की होती है। तो जब कुछ भी खाते हो तो वो स्टक हो जाता है अगर ब्रश नहीं करते हो, और हमारे दांतों पर चिपक जाता है जिसे हम प्लाक कहते हैं। प्लाक धीरे धीरे क्या प्रोड्यूस करने लगता है, वो एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जो क्या करने लगता है, धीरे धीरे दांत को गला देता है और कैविटी या होल फॉर्म्ड हो जाता है आपकी टीथ पर। इफ द कैविटी गेट्स बिगर एंड डीपर, द पल्प ऑफ योर टीथ बिगेन टू हर्ट। जो रूट पल्प है होता है, पहले पल्प आता है फिर रूट आती है। तो पल्प जो होता है, हमने बताया था कि अगर टूथ का स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरीके से टूथ का बनता है बेटा। इसमें क्राउन हो गया, फिर इसके बाद ये लेयर इनेमल, फिर ये लेयर डेंटाइन, फिर डेंटाइन के अंदर क्या हो जाते हैं, पल्प होते हैं। पल्प के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो रूट अराइज करती हैं। जब कुछ खाते हो तो खाना किस पे चिपक जाता है, इनेमल पर चिपक जाता है, और इनेमल क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है जो आपके टूथ को गला देता है, कैविटी फॉर्म कर लेता है। इस तरीके से कैविटी फॉर्म होने लगती है। द पल्प ऑफ योर टूथ बिगेन टू हर्ट, यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू च्यू, इट मे हर्ट व्हेन यू ड्रिंक हॉट और कोल्ड वाटर लिक्विड, इट इज़ टाइम टू विजिट ए डेंटिस्ट। तब हमें दांतों को दिखाने के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ए डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर योर टीथ। समझ आ गई मेरी बात कि जो टूथ है वो तीन लेयर से बना है। फर्स्ट वन
अगर बात करी जाए तो वो फर्स्ट है क्राउन, सेकंड वन है इनेमल, थर्ड वन है डेंटाइन। ठीक है, जब आप कुछ खाते हो तो इनेमल जो होती है वो एक येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म कर देती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। क्लियर हो गई? प्लाक क्या प्रोड्यूस करने लगता है? एसिड, जो कि आपके टूथ को खोखला कर देगा और उसके अंदर एक कैविटी फॉर्म कर देगा। क्लियर हो गई? अगर और जब कैविटी फॉर्म हो जाएगी तो जो आपकी पल्प है, जो मस्कुलर पोर्शन है, उसके अंदर बहुत सारी वेसल्स होती हैं, रूट्स होती हैं, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तब आपको किसके पास जाना पड़ेगा? डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हु एग्जामिन योर टीथ? डेंटिस्ट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू।